अमवा थाना धार कुड़ी में एक परिवार में कोदो की रोटी बनी थी। पति पत्नी और लड़की तीनों ने खाना खाया, तीनों की हालत हुई खराब। पति की हालत ज्यादा खराब हुई, उसको इलाज के लिए पहले सतना बाद में रीवा लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कोदो की रोटी खाने से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान 52 साल के अधेड़ की मौत हो गई। बीती शाम रामकिशोर साकेत, पिता चुन्ने प्रसाद, उम्र 52 साल, अम्बवा थाना धारकुड़ी सतना जिले का रहने वाला था, उसके घर में कोदो की रोटी बनी थी। माता पिता और लड़की तीनों ने कोदो की रोटी खाई। आम तौर से उनके घर में ये खाना अक्सर बनता था। खाना खाने के लगभग 1 घंटे बाद तीनों को उल्टियां होने लगीं। बेटा घर में नहीं था, वह कहीं बाहर गया था। घर में केवल 3 लोग थे। बगल में परिजन रहा करते थे, भाई रहते थे और भी अन्य लोग रहा करते थे। तत्काल ही परिजन वहां पर पहुंचे, उन्होंने देखा तीनों की हालत बिगड़ रही है, उनको लगातार उल्टी हो रही है। तत्काल ही इलाज के लिए उनको वाहन की व्यवस्था करने के बाद सतना के जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर लड़की और उसकी मां की हालत थोड़ा सा ठीक होने के बाद उन दोनों को डॉक्टरों ने इलाज के लिए वहीं पर रख लिया। उनका कहना था ये दोनों की हालत ठीक है, इनकी जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन रामकिशोर की हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। जब देर रात तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ तो उनको सतना के डॉक्टरों ने देर रात रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। यहां पर रामकिशोर को लेकर परिजन पहुंचे, डॉक्टरों ने उनको आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में भर्ती करके उनका उपचार प्रारंभ कर दिया था, लेकिन रामकिशोर की हालत में सुधार होने के बजाय लगातार बिगड़ती चली गई और उनकी संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। सुबह संजय गांधी अस्पताल की पुलिस चौकी में प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद शव के पोस्टमार्टम की तैयारी की जा रही थी, तभी हमारी टीम ने रामकिशोर के परिजनों बेटे से बात की, जानने समझने की कोशिश की आखिर रोज बनने वाले खाने को खाने के बाद किस तरीके से उसकी हालत बिगड़ी, किस तरीके से उसकी मौत हो गई। उनका साफ तौर से कहना था घर में कोदो की रोटी बनी थी, पूरे परिवार ने वही खाना खाया था, तीनों की हालत लगातार बिगड़ती चली गई, तब हम लोग सतना लेके गए थे जहां पर 2 लोगों की हालत ठीक है, लेकिन रामकिशोर की हालत में जब कोई सुधार नहीं हुआ तो उनको हम लोग रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेके आए सतना के डॉक्टरों के कहने के बाद, लेकिन यहां भी उनकी हालत नहीं सुधरी, अंततः उनकी मौत हो गई। सुनिए परिजन रामकिशोर की मौत को लेकर क्या कुछ बता रहे हैं। पिता जी हो गए, क्या नाम से, घर में शाम का खाना खाए कोदो की रोटी, तो उसी को बहन लोग भी खाएं, मम्मी लोग भी खाएं, और इसके बाद क्या हुआ कि जब जी में चलने लगा तो हो गए, बड़े पापा लोग पहुंचे, कंडीशन देखे, उसके हिसाब से सतना ले गए, और सतना से उसने फिर रेफर कर दिया रीवा को। 3 बजे रीवा में से दवा चालू हुई, हो गए धीरे, अभी तक मैं क्या नाम से बुखार हो गया। आपके कौन थे? हमारे पिताजी। आपका नाम? प्रमोद कुमार सागर। हो गया इनके साथ? कोदो की रोटी खाई दादा, तो जहर लग गया 3 आदमी का, तो आदमी बेटी मातारी घर चली गई है, मुर्दे पर चला गया अपने नहीं खा करो लड़का। क्या नाम था इनका? हमारे देवर के नाम राम किशोर साकेत, हमारा नाम राम रति साकेत। कब यहाँ लाए थे आप लोग? का शाम के लिए सतना, आज ले अंडरी बा 3 बजे रात, दाबा नहीं भाई सर ढंग के, जब मकाओं के गैस सिलेंडर लगाइए तब दादा, हमारे दादा मुंह फाड़ के चले।